श्री कृष्ण प्रमाणी मंदिर संझाई जंगल बहादुर अली मोहरीपुर से 3 से 9 नवंबर तक श्री तारत महासागर का 108 प्राणायण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सूरत के श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण जी महाराज ने कहा कि 3 नवंबर से श्री 108 प्रायण का शुभारंभ किया जाएगा तथा 4 से 8 नवंबर तक कथा प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को गोरखनाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आचार्य सूर्य नारायण दास महाराज ने बताया कि प्रायण ज्ञान कथा में मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए आचार्य सूर्य नारायण दास जी महाराज ने बताया। नाइस साइड में जी, ये ऊपर में सामने दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कृष्ण का स्वरूप है। हमारे यहाँ ऐसे ग्रंथ की पूजा होती है राधा कृष्ण के स्वरूप मान करके। जो सामने देख रहे हैं आपके बाएं साइड में, वो कृष्ण के स्वरूप है, जहाँ पे बक्शी बोर्ड में कुछ श्रृंगार किया गया है। दाहिने तरफ दर्शन कर रहे हैं, यह राधा जी का स्वरूप है और उनका सुंदर स्वरूप यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हमारे शिक्षा प्रणामी मंदिर जो जंगल बहादुर अली संझाई में, यह सुंदर मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है और आज इस गादी के ऊपर में छठवें गादीपति के रूप में ये हमारे परम सन्मानी महाराज के शास्त्री रमेश गाजी महाराज है। इन्हीं के सानिध्य में सप्त दिवसीय आयोजन जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक सुसंपन्न होने जा रहा है, इसकी पूर्व तैयारी आप देख रहे हैं कि हमारे इसे बैठे हुए सुंदर साहब में लगे हुए हैं और इस तरफ भी देख रहे हैं कि सारी तैयारियां जो यहाँ पे भोजन और आवास की सारी व्यवस्था होने वाली है, तो हमारे महिला सुंदर साहब हैं वो सब इनकी तैयारी कर रहे हैं। गेहूँ है, चावल है, सबको बराबर क्योंकि हमारे यहाँ पे नियम है, ये सिस्टम है कि जितने भी हालात आते हैं उनके रहने की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो संत होते हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज किसी भी तरह के चार्ज किए बिना सब सेवा हम लोग करते हैं। तो ये सुंदर आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं गोरखपुर के नगरवासियों से निवेदन करूँगा कि आप जरूर से जरूर इस आयोजन में आकर के 3 नवंबर से 9 नवंबर तक इस आयोजन में आकर के इस आयोजन को शोभा को बढ़ाइए और आत्मिक आध्यात्मिक लाभ आप उठा रहे। यह हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का बहुत बड़ा समारोह है। यह समारोह जो हमारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जंगल बहादुर अली संझाई में है, इसका महोत्सव है 3 नवंबर से 9 नवंबर तक और इसमें सप्त दिवसीय हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का तारतम सागर ग्रंथ है, उसका 108 पारायण है। इसमें पूरे प्रणामी समाज के जो हमारे सुंदर साथ हैं, जिनको हम भक्त कहते हैं पर हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में उनको सुंदर साथ कहा जाता है, हजारों की संख्या में उनकी भीड़ होगी और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जामनगर जो सौराष्ट्र की धरती गुजरात में है वहाँ के जगतगुरु आचार्य श्री स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज पधारेंगे। सूरत की गादी है महामती प्राणना जी के, वहाँ के महाराज के रूप में मैं स्वयं आचार्य सूर्यनारायण के रूप में रहूँगा। तीसरा हमारा मंदिर जो बहुत ही पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि प्रणामी जगत के हर जगह पर फेमस है, वो हमारे है बुंदेलखंड की धरती मध्य प्रदेश महामती प्राणना जी के जो दिव्य स्थान है वह श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, वहाँ के भी प्रतिनिधि होंगे और ख़ासकर जो हमारे संझाई मंदिर के इसमें वर्तमान महंत परम सन्मान्य महाराज श्री स्वामी रमेश दास जी महाराज है, इन्हीं के आयोजन में ये सारा आयोजन सम्पन्न हो रहा है। तो खुशी की बात यह है कि ये जो सप्त दिवसीय आयोजन है, सप्त दिवसीय आयोजन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाबा योगी श्री आदित्यनाथ जी भी पधारेंगे, यहाँ के सांसद भी होंगे, यहाँ के विधायक भी होंगे और ये 3 नवंबर से 9 नवंबर तक होने वाले जो महोत्सव है, इस महोत्सव में पारायण तो चलेगा ही, साथ साथ में वृंदावन से रास मंडली भी पधार रहे हैं। तो रात में 9 बजे से लेकर के लगभग 1-2 बजे रात्रि तक राष्ट्रमंडल भी होगा, संतों का प्रवचन भी होगा, भजन कीर्तन भी होगा और इसी दरमियान 7 नवंबर को एक विशाल शोभा यात्रा जो हमारे यहाँ पे श्री गुरु गोरक्षनाथ मंदिर वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी
राजेंद्र नगर बरगदमा होकर के मोहरीपुर होते हुए इस मंदिर संझाई, जो हमारे जंगल बहादुर अली संझाई में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, यहाँ पे लगभग शाम में 7 बजे वह शोभा यात्रा सुसंपन्न होगा। इस तरह का सुंदर आयोजन है। तो मैं खासकर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के नगरवासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरह का जो सुंदर आयोजन है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आयोजन, इस आयोजन में हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो सुंदर साथ हैं उनका तो सुभागमन होगा ही होगा, पर खास जो हमारे नगरवासी गोरखपुर के हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इतना सुंदर बढ़िया आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति की जाती है, ऐसे सुंदर भव्य आयोजन में आप सभी हार्दिक आमंत्रित हैं। आप सभी इस आयोजन में आएँ और इसका धार्मिक लाभ, आप सब धार्मिक लाभ उठाएं, यह हमारी एक शुभेच्छा है, मंगल कामना है। जरूर से जरूर आप सब पधारेंगे। प्रणाम के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। प्रणाम।